बहुत लोग बोलते हैं पुरानी गाड़ी देखिए पुरानी गाड़ी का कमाल। तो सुबह सुबह गरम गरम होके नाश्ते में तो अभी टायर चेंज करवा रहा हूँ। देखिए सब होली खेल रहे हैं कोल्हापुर में। ये रहा मंदिर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज फिर एक लंबी राइड होने जा रही है, वो भी कार में, हैदराबाद से कोल्हापुर। श्री लक्ष्मी माता का टेम्पल है वहाँ पे, तो मैं, मम्मी, मेरा भाई, हम तीनों जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, हम यहाँ से निकल रहे हैं घर से। तो गूगल मैप्स में 560 किलोमीटर या 70 किलोमीटर कुछ बता रहा है, तो देखना पड़ेगा कितना किलोमीटर से एग्जैक्ट, मुझे भी नहीं पता। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी जेन में, देखिए पीछे खड़ी है। तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में आगे, कैसे भी रात है तो थोड़े बहुत देखेंगे वीडियोज़ कैसे आते हैं, तो आपको मिलता हूँ आगे। ठीक है, आप कार देखिए। तो अभी ऑलमोस्ट घर से निकल चुके हैं, रास्ते में है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम डायरेक्ट कोल्हापुर। फ्रेंड्स, अभी सोलापुर आ चुका हूँ। ऑलमोस्ट कितने घंटे लगे सोलापुर आने? 5 घंटे लगे मुझे। 10:30 को मैंने मतलब घर से स्टार्ट किया और सोलापुर को आज जब तक हमें 3:40 कुछ हो रहा था। तो ये देखिए अभी यहाँ पे रुका हूँ चाय पीने के लिए, बहुत ठंडी है यहाँ पे। और हमने मतलब मैंने जहाँ कार स्टार्ट किया वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बस कार बीच में बस एक ही बार रोका, वो भी बस 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद वहाँ से नॉन स्टॉप मैंने लाइक कहाँ पर भी नहीं रोका कार। ऑलमोस्ट सोलापुर क्रॉस हो चुके हैं शायद। मीटर मैंने 0 किया था फुल टैंक में, तो अभी मीटर 380 या 390 किलोमीटर्स कुछ हुआ है, मतलब हैदराबाद से 380 या 390 किलोमीटर्स कुछ आया हूँ मैं अभी। तो 390 या 380 किलोमीटर्स में मैंने कार बस एक ही बार रोका, वो भी बस 10-15 मिनट के लिए। देखिए पुरानी कार की ताकत, नॉन स्टॉप मार रहा हूँ उसे मैं, इतनी स्मूथ जा रही है। मैं 120 में जा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं 120 में जा रहा हूँ। मैं बस रोड देख रहा था, अगर स्पीड देखा तो यार मैं 120 में जा रहा हूँ, फिर मैंने स्पीड कम किया। इतनी स्मूथ चल रही है अभी भी। बहुत लोग बोलते हैं पुरानी गाड़ी देखिए पुरानी गाड़ी का कमाल। तो अभी इसमें और बहुत घूमना है मुझे, धीरे इसे अच्छा मॉडिफाई भी करवाएंगे हम। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ आगे। तो हमारा नाश्ता आ गया है, तो मैं खा रहा हूँ पोहे अभी। तो सुबह सुबह गरम गरम पोहे नाश्ते में। चालू हो गए बैक टू मंदिर के लिए कोल्हापुर। यार बाहर कार से बाहर निकलते कितनी ठंड लग रही है यार। देखिए एक रोड कितना खाली है यार, कार इतनी स्मूथ चल रही है, पता भी नहीं चल रहा है यार 100, 110, 120 कब जा रही है कार। So loud,
फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं कोल्हापुर। अभी बस यहाँ से 50 किलोमीटर कुछ बाकी है। और यार बीच में टायर बस्ट हो गया था, टायर पंक्चर भी हो गया और टायर पूरा बस्ट हो गया। सीएट का नया टायर था मेरा, पता नहीं रोड उतना खास नहीं था, पूरा लाइक सीमेंट रोड था, बट बहुत गंदा रोड था वो। और मैं उस रोड पे 70-80 स्पीड मेंटेन कर रहा था, एकदम जोर से टक 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 आवाज़ आके टायर बस्ट हो गया। तो फिर मैंने अभी स्टेपनी का टायर चेंज किया, स्पेयर एक स्टेपनी टायर रखा था मैंने, वो अभी चेंज किया हूँ। तो देखना आगे चल के कई नया टायर लेंगे, आपको बताऊँगा स्टेपनी टायर जो चेंज किया हूँ मैंने। फिर यहाँ पे भूख लग रही है, फिर से नाश्ता कर रहा हूँ। वहाँ पे पोहे खाया था लेकिन पेट नहीं भरा वो पोहे से, तो यहाँ पे वड़ा पाव खा रहा हूँ। वड़ा पाव बताऊँगा आपको, चलो वड़ा पाव खाते हैं। तो वड़ा पाव खाते हैं, वड़ा पाव, भूख लग रही है। फ्रेंड्स मुझे हाईवे पे ये अपोलो का स्टोर मिल गया, तो मैं यहाँ पे आ गया टायर चेंज करवाने, क्योंकि जो स्टेपनी टायर यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत पुराना टायर है, तो उसके ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मैं एक और नया टायर ले रहा हूँ मेरे जेन के लिए, 2900 का कुछ पड़ा मुझे टायर वो, तो अभी टायर चेंज करवा रहा हूँ। जैसे टायर चेंज करवाऊँगा तो यहाँ से निकल जाऊँगा, और टायर गर्म होने के कारण टायर फट गया था, टायर बहुत गर्म हो गया था सीएट का। तो मैंने पूछा अपोलो स्टोर वाले को कि क्यों इतना टायर गर्म होके, लाइक क्यों गर्म होके फट गया, तो वो बोल रहा था सीमेंट रोड पे टायर बहुत गर्म होते हैं और फट जाते हैं। तो वो बोल रहा था कि नाइट्रोजन एयर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका टायर गर्म नहीं होगा। तो लेट्स सी, एक बार ट्राई करते हैं नाइट्रोजन एयर भरवा कर, देखते हैं। तो ये वाला टायर देखिए पीछे का, ये स्टेपनी वाला जो मैंने चेंज किया था सुबह, तो अभी ये चेंज करके हमारा न्यू अपोलो टायर हम लगवा लेंगे कार को। नॉर्मल हवा पूरा निकलवा कर नाइट्रोजन हवा चलवा रहा हूँ अभी।
कार के अंदर, ताकि जो मुझे इश्यू हुआ वो फिर ना हो, जैसे टायर फट गया था सुबह वो ना हो, इसलिए नाइट्रोजन एयर फिल करवा रहा हूँ अभी। यार कितना ट्रैफिक है ये कोल्हापुर में। रेडी हो चुका हूँ मैं, रूम को जाके अच्छे से नहा लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, अभी मंदिर के लिए निकल रहा हूँ। आके देखिए कितनी लाल हो चुकी है मेरी। ये देखिए किला, तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है बोले, तो कार मैंने वहाँ पे लॉज में रख दिया पार्किंग में, तो अभी चलते जा रहा हूँ यहाँ से। तो कोल्हापुर में ये देखिए, ये फेमस है कोल्हापुरी चप्पल। यहाँ का ज़्यादा फेमस यही है कोल्हापुरी चप्पल। ये देखिए मंदिर के पास आ चुका हूँ मैं, ये मंदिर का एंट्रेंस है। तो अभी जाना है अंदर, चलो। ये
ये देखिए अंदर आ चुका हूँ, मंदिर के एंट्रेंस के अंदर आ चुका हूँ अभी। तो मंदिर कहाँ है यहाँ पे नहीं पता, कौन सा साइड जाना है मंदिर को, इस साइड या ये साइड, कौन सा साइड जाना है भाई। कहाँ है मंदिर, अच्छा ये यहाँ पे है मंदिर, वो देखो मंदिर, वो येलो कलर का दिख रहा है वही मंदिर है। चलो पास चलते हैं मंदिर के। ये रहा मंदिर, मंदिर के अंदर फोन अलाउड है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। फोन लेके तो जाते हैं अंदर तक, अगर अलाउ किया तो अंदर वीडियो निकालूंगा, अगर नहीं किया तो यही बाहर से ही वीडियो निकाल लूंगा। तो ये देखिए लाइन, तो ऐसे लाइन से ऐसे जाना है वहां तक। तो ये कितना लाइन है देखिए, मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। फ्रेंड्स अभी दर्शन पूरे हो चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। मैंने थोड़ा बहुत वीडियो निकाला है, लेकिन अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो निकाला। तो आपको बताऊंगा जितना भी मैंने वीडियो निकाला। तो यार बहुत नींद आ रही है, रात भर पूरा कार चला रहा था। अभी सुबह मंदिर को आया हूँ, अभी यहाँ पे एक लॉर्ड्स लिया है। तो आज डे पूरा नहीं रहेंगे, शाम तक रहेंगे, फिर शाम में यहाँ से बैक टू हैदराबाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक 3-4 घंटे की नींद निकालता हूँ मैं लॉर्ड्स में जाके, फिर निकलना है बैक टू हैदराबाद। मैं आपको फिर मिलता हूँ आगे। लॉज के पास आ चुका हूँ, देखिए ये लॉज में मैं अभी स्टे कर रहा हूँ फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, थोड़ी नींद निकाल के 3-4 घंटे सो के अभी शाम में यहाँ से चालू हो जाऊँगा बैक टू हैदराबाद। फाइनली 3 घंटे की नींद हो गई, 3 घंटे सोया बस। तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से बैक टू हैदराबाद। और ये मैंने जो लिया था मैंने बस 5-6 घंटे के लिए मैंने ये रूम लिया था। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ बैक टू हैदराबाद। तो सुबह 3 घंटे की नींद हो चुकी है, कार चलाना है बस, थोड़ा बहुत नींद नहीं आई जैसा कार चलाना है बस उतना ही। तो आपको मिलता हूँ नीचे कार के पास। तो नीचे आ गया हूँ कार के पास, तो चलो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ बाकी।